हेलो एवरीवन, आई एम इबादुर रहमान एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 5C क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नेम कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9. इन द ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल सी इज द राइट एंगल प्रूव दैट दीज. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल सी हैज अ राइट एंगल, देन शो दैट. Look here, it is given that in a right angle triangle, angle C as a right angle. Means here angle C as a right angle 90 degree. Okay, suppose ACB is a triangle. एक चीज़ ये समझिएगा कि right angle triangle में अगर से किसी vertex को capital A, B और C से represent किया जा रहा है तो उसके opposite side, means ये angle A है तो ये side of A as a small letter. ये एंगल बी तो इसका अपोजिट साइड ऑफ बी एज ए स्मॉल लेटर. एंगल सी ये साइड ऑफ सी एज ए स्मॉल लेटर. मीन्स एंगल के अपोजिट साइड को स्मॉल लेटर से इंडिकेट कर दो और एंगल को कैपिटल लेटर से. क्लियर? ओके. अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. मीन्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको रिलेशन मालूम है. क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2a. वी नो दैट साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a. इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मूले पे डिस्कशन किया था, तो फर्स्ट पार्ट आप चाहिए तो वहाँ से देख लीजिएगा एक्सरसाइज 5C का. साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a. अब अगर इस ट्राइंगल से हम साइन a और कॉस a की वैल्यू रख दें, देखिए ये एंगल है ना, इस एंगल के लिए साइन a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड कॉस a इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस. सो साइन a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a अपॉन सी एंड cos a इज इक्वल टू बी अपॉन सी. ये दोनों वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. सो 2 एज ए 2 एंड sin a इज इक्वल टू a अपॉन सी एंड cos a इज इक्वल टू बी अपॉन सी. ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ab अपॉन सी स्क्वायर. एज ए रिजल्ट देखिए यही तो कहना है ना आपसे कि शो दैट sin 2a इज इक्वल टू 2ab अपॉन सी स्क्वायर. तो ये एक रिजल्ट हो गए. उसके बाद आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2a. अब cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2a का तीन तरीके का फॉर्मूला होता है. एक रिलेशन आपका होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. एक रिलेशन होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1. एक रिलेशन होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a. आप किसी में भी वैल्यू पुट कर दीजिएगा आ जाएगा. हेयर वी अप्लाई cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ cos a. cos a इज इक्वल टू b अपॉन सी, सो b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. एंड साइन स्क्वायर a, साइन a इज इक्वल टू a अपॉन सी. मीन्स साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. सी स्क्वायर एज ए एलसीएम, सो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज ए आंसर. बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज ए आंसर. क्लियर? साइन ए हो गया, cos हो गया. अगर यहीं पे tan 2a पूछ लेते तो tan के लिए हम क्या करते? डिवाइड कर देते साइन 2a अपॉन cos 2a. तो साइन 2a की वैल्यू जो है वो और cos 2a की जो वैल्यू है दोनों को डिवाइड कर देते, आपको रिजल्ट मिल जाता. बट वहाँ पे अभी पूछा नहीं है. नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला साइन a बाई 2. आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं. अच्छा देखिए, cos a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2. तो cos a की वैल्यू तो आप निकाल लीजिएगा ट्राइंगल जो दिया गया उसमें से ना, cos a इज इक्वल टू b अपॉन c से. और sin a बाई 2 की वैल्यू मालूम हो जाएगी. यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो sin a बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos a अपॉन 2. सो cos a की वैल्यू पुट कर दीजिए, सीधा सीधा आपको रिजल्ट मिल जाएगा. इसी तरीके से cos a बाई 2 के लिए फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1. ये रिलेशन आपका cos 2a के लिए हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1. इसमें से 2 cos स्क्वायर a की वैल्यू निकाल दी गई, हमको cos a बाई 2 की वैल्यू चाहिए थी. तो cos a बाई 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ cos a प्लस 1. वैसे जैसे साइन का था वैसे cos होगा, बस यहाँ पे साइन का फर्क हो रहा है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो रहा है. cos a की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, उसके बाद LCM लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 9 तो ईजी था, ये आप खुद भी कर सकते थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. इन क्वेश्चन नंबर 10, इफ cos अल्फा इज इक्वल टू 3/5, cos बीटा इज इक्वल टू 4/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2. अज्यूम दैट अल्फा एंड बीटा टू बी अक्यूट एंगल. मीन्स ये पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. तो अक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री. सो बोथ आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, साइन cos टेन cot से cosec. नाउ cosec cos अल्फा 3/5, cos बीटा 4/5. आइए पहले एक क्वेश्चन बना के लिए डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, cos अल्फा 3/5, cos बीटा 4/5. अब एक चीज़ ये समझिएगा, ये बीटा है,
एक चीज़ ये समझिएगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ा और बीटा एक ही राइट एंगल ट्राइंगल में हो, ऐसा कुछ नहीं कहा है ना। तो हम दो ट्राइंगल में अलग अलग सपोज कर लें, सपोज कर लीजिए ये वाला आपका हो गया एज ए अल्फ़ा एंगल, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके का एक ट्राइंगल बना लें, यहाँ पे बीटा हो सकता है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है अल्फ़ा और बीटा एक ही में हो सकता है अलग अलग हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 3/5, यहाँ पे 4 मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से कॉस बीटा इज़ इक्वल टू 4/5, यहाँ पे हमको 3 मिल जाएगा, क्लियर। अच्छा, अब आपसे कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। अब कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 के लिए हमको फार्मूला क्या मिलेगा? सबसे पहला काम तो हमको कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए, उसके बाद अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल देंगे। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। देखिए एक रिलेशन ये होगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है ना आपका, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, थीटा एज ए अल्फा माइनस बीटा, क्लियर। अब कॉस अल्फा माइनस बीटा का अगर फॉर्मूला लगा दें, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये सारी वैल्यूज़ आप जो यहाँ पे गिवेन है वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/5। कॉस बीटा की वैल्यू 4/5। साइन अल्फ़ा की वैल्यू, सॉरी, कॉस की वैल्यू 3/5, साइन की वैल्यू 4/5, और यहाँ पे साइन बीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/5। तो सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कैलकुलेशन तो आपका अपना है, कोई प्रॉब्लम उसमें होनी नहीं चाहिए। इसको अपने से बाकी सॉल्व कर लीजिएगा, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, 49/25 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लीजिएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसमें।